शरीर का हर संकेत बहुत अहम होता है, इसमें भूख न लगना भी शामिल है। यूं तो भूख न लगना एक आम समस्या है या आम लक्षण है। आमतौर पर भूख न लगने की समस्या शरीर को अपने आप ठीक कर लेता है। जो लोग घर पर या ऑफिस पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं या शारीरिक रूप से कम सक्रिय होते हैं, उन्हें अमूमन भूख कम लगती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी कमजोर होने लगते हैं, उनमें कई सारी समस्याएं आने लगती है, जैसे उनकी मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती है, उनका किसी काम करने में मन नहीं लगता है, साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा कमजोरी फील करते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी ये समस्या है तो आज मैं आपके लिए ऐसे कुछ 5 सिरप लेकर आया हूँ जो आयुर्वेदिक है, साथ ही आपके लीवर से संबंधित कई सारी समस्याओं को भी दूर करते हैं और आपकी पाचन को भी बढ़ाते हैं, साथ ही आपकी भूख को भी बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और लंबे समय तक इसका असर आपके शरीर पर रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सिरपों के बारे में विस्तार से और कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको इसमें से इस्तेमाल या खरीदने से पहले अच्छी जानकारी हो सके और इसका चुनाव करते समय आपको आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। पर एक पर SBL का लिप टी टॉनिक। दोस्तों, SBL के लिप टी टॉनिक में हम नंबर एक पर पॉइंट पर बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों, अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस आपको 90 से लेकर 130 रुपए मिल जाती है। अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग आपको ये 115 ml और 180 ml के दो पैक में मिल जाता है। अगर हम बात करें किस किस काम में आता है तो दोस्तों, ये आपके विषाक्त पदार्थों से जिगर की सुरक्षा करता है, साथ ही आपके पाचन क्रिया को मजबूत करता है, भूख की कमी के मामलों में आपको राहत प्रदान करता है, साथ ही बढ़े हुए फैटी लिवर, पीलिया, हेपेटाइटिस, एसिडिटी व कब्ज को दूर करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसे कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करना है तो इसे आपको अगर वयस्क हैं तो 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बच्चों को इसे 1 चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर भोजन के आधे घंटे बाद में, या फिर चिकित्सक द्वारा निर्धारित दिन में 3 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 2 पर बात करें सैफोन सिरप। सैफोन सिरप के हम मुख्य बिंदु यानी इसके पैकेजिंग और प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको 98 रुपये से 110 रुपये के बीच में मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। अगर हम बात करें कि इसके मुख्य कार्य या लाभ के बारे में तो ये आपके भूख को बढ़ाता है, आपके लीवर संबंधी समस्याओं में भी सुधार करता है, साथ ही बच्चों में माइग्रेन, प्रेगनेंसी में भूख ना लगना, कीड़े के काटने से होने वाली एलर्जी, इस सारी समस्याओं को भी दूर करता है। दोस्तों, अगर इसको लेते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए तो आपको ड्राइविंग करने से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका सेवन आपको शाम को ही करना चाहिए। ड्राइविंग करने से पहले इसका सेवन बिल्कुल ना करें। कैसे सेवन करना है तो दोस्तों, इसे आप सुबह शाम 2 टाइम इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है तो आप इसे 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर अगर बात करें लिप 52 सिरप आपको 100 ml और 200 ml के पैक में मिल जाता है। अगर एक बात करें कि ये किस काम में आता है या क्या फ़ायदा करता है तो दोस्तों, ये आपको भूख को बढ़ाता है और साथ ही आपके लीवर संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है, साथ ही आपके पाचन संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है, कब्ज में भी राहत देता है, साथ ही ये लीवर से संबंधित जो भी समस्या होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है तो इसका इस्तेमाल आप 2 छोटी चम्मच सुबह और शाम ले सकते हैं। अगर डॉक्टर सलाह दे तो आप इसे 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 पर बात करें अशोकारिष्ट भी आपके भूख को तेजी से बढ़ाता है, आपके लीवर संबंधी समस्याओं में भी निजात दिलाता है। ये आपको 450 ml के पैक में 106 रुपये में आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। नंबर 5 पर बात करें एक्टिवेट सिरप, 110 रुपये के बीच में मिलता है जो 200 ml का पैक होता है। दोस्तों, अगर इसके लाभ के बारे में बात करें तो आंतों के कीड़े को नष्ट करती है, प्राकृतिक भूख को बढ़ाने में मदद करती है, वजन बढ़ाने में मददगार होता है, कफ कम करता है, कब्ज के राहत दिलाने में मदद करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाने में ये मददगार होता है। 2 चम्मच करना है यानी कि आप 10 ml तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को आपको 1 छोटी चम्मच ही देना है। अगर आप वयस्क हैं तो आप बड़ी चम्मच ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ आपको ऐसे आयुर्वेदिक सिरप के बारे में जानकारी दी जो आपके भूख बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को तक भी ये वीडियो शेयर करें। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।